आजकल एक यूट्यूब पे ट्रेंड बना है, जैसे आपके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मतलब आप थोड़े बहुत यूट्यूब पे सक्सेस होते हैं, उसके बाद अपना पेड कोर्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया, मतलब ये एक तरह का बिजनेस ही शुरू किया है। और जो नए यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूब पे आए काफ़ी टाइम हुआ है लेकिन उनको अभी तक सक्सेसफुल नहीं मिला, मतलब इनको अभी तक सक्सेस नहीं मिला, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग इनसे कोर्स खरीदते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनसे कोर्स खरीद लूँगा तो मैं भी इनके तरह सक्सेसफुल बन जाऊँगा, मुझे भी इनकी तरह कामयाबी मिलेगी, मैं भी लाखों करोड़ों रुपीज़ में यूट्यूब से अर्न करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, चाहे इंडिया के लिए या फिर इंडिया के बाहर के लिए, उन्होंने कभी मतलब उन्होंने किसी ने भी कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया, जो भी सीखे खुद से सीखे, खुद रिसर्च किया है, खुद मेहनत किया, उसके बाद वो सीखे, यूट्यूब पे ही सीखे, ऐसा नहीं कि किधर दूसरे जगह पे जाके सीखे, यूट्यूब पे सीखे, गूगल पे सीखे, लेकिन जो भी सीखे पूरा फ्री में ही सीखे, उन्होंने एक रुपया भी खर्चा नहीं किया। जो आपको आज कोर्स सेल कर रहे हैं ना, उन्होंने भी कभी खर्चा नहीं किया, खर्चा करते फिर बाद में इक्विपमेंट पे खर्चा करते हैं, जैसा अपना मोबाइल हुआ, DSLR कैमरा हुआ, या फिर सेटअप के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन कंप्यूटर मतलब अच्छा कंप्यूटर लेना या फिर लैपटॉप लेना उसके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन कोई भी कोर्स के ऊपर किसी ने भी खर्चा नहीं किया। जब उन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया और वो सब कुछ सीख के सक्सेस हो गए तो फिर आप उनसे मतलब कोर्स क्यों लेते, क्योंकि हमें मेहनत करनी नहीं, देखो सिंपल बात है, अगर रिसर्च करोगे ना तो हो सकता है कि आप भी उनसे अच्छा मतलब जो वो आपको पेड कोर्स में देते हैं ना उनसे भी अच्छा कंटेंट यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमें लगता है कि अगर उससे मैं कोर्स कर लूँगा तो मैं भी उनकी तरह सक्सेसफुल बन जाऊँगा, लेकिन तो ये खाली एक ट्रैप है, आपके इमोशन के साथ खेला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मनोज दे, टेक्निकल योगी एंड धर्मेश शर्मा, स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेश शर्मा, ये तीनों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। मतलब ये काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, 8-10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया, ना ही कभी ऐसा बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो इनको बिग सैल्यूट है, बिग थैंक्स है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट कोई कोई ऐसे भी यूट्यूबर है, उनको भले नॉलेज भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया है और ये फिर धंधा बना के रखा है, ये बिजनेस बना के रखा है। तो आप इस ट्रैप को समझ जाओ, ठीक है, आप थोड़े खुद से रिसर्च करो, अच्छा खासा रिसर्च करो, बहुत फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। और देखो आप जितना सीखोगे ना, खुद से अगर जितना सीखोगे ना उतना ही ज़्यादा आप डेवलप करोगे, अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो बेस है ना, फाउंडेशन है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, देखो टाइम के साथ ऐसा भी होना, जो अपने पेड कोर्स सेल कर रहे हैं ना, उनके अभी यूट्यूब चैनल पे देखो ना मिलियंस में सब्सक्राइबर, लेकिन उनका जो व्यूअर्स है ना बहुत ज़्यादा कम हो गए, जिनके भी उनके चैनल पे अगर व्यूज़ देखोगे ना बहुत कम हुआ है, इवन 1% भी उनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आता है। ठीक है, आज उनकी ये हालत हो गई, तो ये बात समझ लो, अगर आप भी अभी कोई पेड कोर्स लॉन्च करना तो कुछ दिन बाद आप भी उनकी तरह हो जाएगा, आपका भी चैनल डेड हो जाएगा। आप चाहे तो सर्च करो जिनके भी पेड कोर्स है ना, आज उनकी हालत क्या, उनके कितने व्यूज़ आते हैं, आप खुद से सर्च करते हो आपको पता चलेगा कि उनकी क्या हालत हो गई। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का इतना ही इंटेंशन था, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो आप करो, ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले आप रिसर्च करो, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स अभी भी बता रहा हूँ, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं किसी ने भी कभी भी पेड कोर्स नहीं लिया। तो आई होप कि मेरा जो इंटेंशन है आपको पता चला होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।